यहाँ दुर्गा माता बन रहे और भी मूर्तियाँ सारा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे मूर्ति बनाते हैं, प्लस यहाँ पे दिवाली की जो भी होती है ना दिया, ये सब सारा कुछ यहाँ पे बनता है गाइस। यहाँ पे आपको गौड़ा पर ही यहाँ पे एक पंडाल बन रहा है दुर्गा माता का, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी यूनिक सा काफ़ी अच्छा सा पंडाल बन रहा है यहाँ पे। सो गाइस ये पंडाल है और इधर का डेकोरेशन देखो ना, तो ऊपर के साइड काफ़ी अच्छा से एकदम इंतजाम किया गया, देख रहे हो झूमर टाइप का लटका हुआ, सारा लाइट जलेगी सारा झूमर में, और यहाँ पे सारा लाइट देख रहे हो कितना अच्छा वाला लाइट है, और यहाँ पे अपना दुर्गा माता अंदर में, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो ये श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस आज का वीडियो होने वाला नूर सराय से चंडी रूट का, जितना भी पंडाल है ना दुर्गा पूजा का पंडाल है सारा आपको दिखाने वाले, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में जस्ट आप लोगों को बिहार शरीफ का पंडाल दिखाए थे, बट बिहार शरीफ में जो सबसे बड़ा पंडाल है ना, टोटल सबसे बड़ा पंडाल है ना, वो वाली पंडाल आपको अभी नहीं दिखाए, वो वाली इसकी अगली वीडियो में आएगी बिहार शरीफ का सबसे बड़ा पंडाल। तो अभी फिलहाल आपको नूर सराय से चंडी रूट का सारा पंडाल दिखाते हैं, कैसा बन रहा है, प्लस बन के कम्प्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ इस वीडियो में डालने वाले हैं। तो आप बस वीडियो में बने रहना, और जो भी हमारे चैनल पर नए बंदे आओ ना, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके वीडियो को जरूर शेयर करना गाइस। तो चलो डायरेक्ट पंडाल के साइड आपसे मिलते हैं। यहाँ से आगे जाएंगे ना तो ये भी काठमांडू नूर सराय के नाम से ये यहाँ पे जगह है, वहीं पे ये दुर्गा माता का पंडाल है, प्लस आगे साइड भी काठमांडू नूर सराय के नाम से ही, प्लस यहाँ पे देखो ना जोरों शोरों से काम चल रही है गाइस। यहाँ पे देख रहे हो मरकरी ये सब कैसे लग रही है भाई, पूरा दिन शाम तक एकदम काम चल रही है, हर एक जगह लर्ची लाइट वाइट होती है ना सारा कुछ लग रही है, प्लस काम एकदम जोरों शोरों से चल रही है। और यहाँ पे देखो भाई कैसा ऊपर से डेकोरेशन मस्त वाला हो रखा है, और यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे काली माता का मंदिर भी था, यहाँ पे भी एक दुर्गा माता को बैठाया जा रहा है, प्लस यहाँ पे देखो दुर्गा माता का यहाँ पे मूर्ति बन रही है या गाइस, यहाँ पे देखो ये दुर्गा माता का सारा मूर्ति ये सब बन रही है, यहाँ से सारा जगह हर पंडाल पे जाएगी। और फिर यहाँ पे देखो ना तो ये यहाँ पे भी एक स्थापित होंगे दुर्गा माता, ये देख लो आप लोग गाइस, और यहाँ पे कलश स्थापना में भी हुआ है। यहाँ पे देखिए दादी लोग सब्जी ये सब बेचते हैं, सब्जी और फिर फल ये सब बेचते हैं, खीरा ये सब जो भी देख सकते हैं आप लोग, केला ये सब सारा सब्जी और फिर फल बेचते हैं। और फिर यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे दादी सिर्फ फल बेचते हैं, और फिर जूस भी होता है क्या, सिर्फ फल ही है, सिर्फ फल यहाँ पे बेचते हैं दादी भी। तो आप लोग यहाँ से भी लिया करो, क्योंकि हर बड़ा बड़ा जगह से लेते हो ना, लेकिन कभी एक ना छोटा जगह से भी लेके देखो, क्योंकि इनको भी कभी कभी मौका दो गाइस, हर हमेशा ना बड़े लोग से नहीं लेना चाहिए, कभी कभी गरीब लोग से भी खरीद के देखो अच्छा रहता है। गाइस लाइक आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दुर्गा पूजा, यहाँ पे दुर्गा माता का एक और पंडाल है जो कि काफ़ी अच्छा पंडाल है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, मान लो ना तो अच्छे तरीके से कम्प्लीट हो रखा है, प्लस ऊपर दुर्गा माता भी विराजमान हो चुके हैं। और फिर देखो पर्दा कब खुलती है, तो आठवीं या फिर नौ सातवीं या फिर आठवीं को खुलेगी पर्दा। और यहाँ पे देखो तो यहाँ दुर्गा माता बन रहे और भी मूर्तियाँ सारा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे मूर्ति बनाते हैं, प्लस यहाँ पे दिवाली की जो भी होती है ना दिया, ये सब सारा कुछ यहाँ पे बनता है गाइस। तो ये सारा कुछ सामान यहाँ पे बनता है दिवाली का, प्लस दुर्गा माता का ये सब मूर्ति ये सब बन रही है। और इसके आगे जाओगे ना तो आगे नूर सराय मार्केट मिलेगी, और वहाँ पे भी और भी पंडाल अभी बन रहे हैं, और वहाँ पे और भी दुर्गा माता बैठते हैं। तो आगे चलते हैं और फिर आगे भी आपको दिखाते हैं गाइस। फिलहाल अभी यहाँ पे भाई बहुत सारा बस इसे चलता है ना, तो आवाज़ भी शोरगुल आता है, बहुत ही ज़्यादा बस चलती है गाइस, जिसके कारण से थोड़ा सा रुकावट होती है आवाज़ में। बट अभी यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और फिर डायरेक्ट मिलते हैं आपको मेन मार्केट में गाइस नूर सराय का। तो गाइस अभी आप लोग नूर सराय से निकल के गौढ़ा पर आए हैं, लाइक चंडी का रूट में ये पड़ता है, और गौढ़ा पर आप लोग देखो ना तो कुछ ऐसा पंडाल है, प्लस यहाँ पे सारे बच्चे अभी खेल कूद के आ रहे हैं, और यहाँ पे देखो ना तो ये ऐसा कुछ पंडाल बन रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा पंडाल बन रहा है, जो कि मैंने ना नूर सराय में ऐसा पंडाल कहीं भी नहीं देखा जितना अच्छा ये गौढ़ा पर बन रहा है। ये आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा पंडाल है, यहाँ पे मंदिर भी था पहले, तो चप्पल खोल के अंदर जाते हैं, ये देखो यहाँ पे पहले एक मंदिर था पहले, और यहीं पर हनुमान जी का मंदिर, प्लस ये शंकर जी का मंदिर है में भी, और यहाँ पे आपको गौढ़ा पर ही यहाँ पे एक पंडाल बन रहा है दुर्गा माता का, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी यूनिक सा काफ़ी अच्छा सा पंडाल बन रहा है। यहाँ पे देखिए ना तो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये, और फिर यहाँ पे सारा पंखा डेकोरेशन का, और फिर यहाँ पे शायद यहीं पे बैठेंगे ना दुर्गा माता, यहाँ पे अच्छा इसमें दुर्गा माता विराजमान होंगे, और शायद अंदर में दुर्गा माता है अभी, तो अंदर में दुर्गा माता है, और यहाँ पे सारा कुछ डेकोरेशन सब है, और उधर लोग बैठ के लेटे हैं सारे लोग ऐसे ही, मतलब ठंडा लगता है ना यहाँ पे मंदिर के पास, तो सारे लोग लेटे हुए, प्लस यहाँ पे एक मंदिर भी था जो ये काफ़ी अच्छा मंदिर है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा सा पंखा चल रहा है, और फिर यहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे थे क्या खेल रहे थे
तो सारे बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, और यहाँ का पंडाल काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। बनने के बाद ना और भी ज़्यादा यूनिक सा काफ़ी अच्छा सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ना मंदिर थी और फिर मंदिर में ही अपना दुर्गा माता को स्थापित किया जा रहा है, लाइक यहाँ पे दुर्गा माता का पंडाल बनाया जा रहा है, तो सोचो कितना अच्छा होगा गाइस। तो ये है गौढ़ा पर, और गौढ़ा पर से अभी अपन लोग चंडी बाजार की तरफ निकल रहे हैं, वहाँ का भी आपको पंडाल दिखाते हैं गाइस। तो गाइस पूरा चंडी में ना सिर्फ दो ही जगह दुर्गा माता बैठते हैं, एक भारत माता और एक फिर दुर्गा स्थान के पास। तो ये भारत माता, यहाँ इस गली से जाओगे ना तो ये भारत माता इधर हो गए, और आगे जाओगे तो दुर्गा स्थान हो गया। तो अभी मैं आपको पहले भारत माता की तरफ दिखाता हूँ दुर्गा माता का पंडाल, उसके बाद दुर्गा स्थान का दिखाता हूँ। तो इधर से जाना पड़ता है भारत माता की तरफ। सो गाइस अभी हम लोग भारत माता की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से देखो ना आप लोग तो कुछ ऐसा नज़ारा आता है, लाइक ऊपर के साइड से देख रहे हो कितना अच्छा यहाँ से डेकोरेशन है, दोनों तरफ से किया हुआ है प्लस बीच में पैक कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू लाता है। और फिर यहाँ पे और भी सारा काम चल रहा है, पंखा लटकने वाला, यहाँ पे पंखा का भी काम चल रहा है अभी, और सारा पंखा यहाँ पे लग चुका है और भी आगे लगने वाला है। और अभी मैं आपको पंडाल के पास लेके चलता हूँ, फिलहाल तो अभी चंडी में ही है, भारत माता के पास जा रहे हैं, जहाँ पे भारत माता का यहाँ पे पंडाल बन रही है ना वहाँ पे जा रहे हैं, फिर आपको जाएंगे डायरेक्ट दुर्गा स्थान जाएंगे, वहाँ का भी दिखाएंगे। तो पहले अभी आपको भारत माता दिखाते, तो यहाँ पे ये देखिए ये पंडाल है भारत माता का, लाइक यहाँ का पंडाल कुछ ऐसा है, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस ये पंडाल है, और इधर का डेकोरेशन देखो ना, तो ऊपर के साइड काफ़ी अच्छा से एकदम इंतजाम किया गया, देख रहे हो झूमर टाइप का लटका हुआ, सारा लाइट जलेगी सारा झूमर में, और यहाँ पे सारा लाइट देख रहे हो कितना अच्छा वाला लाइट है, और यहाँ पे अपना दुर्गा माता अंदर में, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस ये दुर्गा माता का कुछ है, प्लस अभी पेंट होना बाकी है, कुछ अलग लेवल के ही यहाँ पे देख रहे हो कान्हा जी झूला झूल रहे हैं, प्लस वहाँ पे दुर्गा माता, बहुत ही अच्छा अच्छा यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई है, लाइक सिर्फ यहाँ पे पेंट करना बच रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि सप्तमी के आसपास में भी यहाँ पे खुलेगी पर्दा, सप्तमी फिर अष्टमी को। और यहाँ पे देख रहे हो कृष्ण जी, सारा कुछ दिखाया जा रहा है। तो आप लोग को यही कुछ है, बस यही कुछ दिखा रहा है आपको। और फिर अभी ना मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुर्गा स्थान का भी, अभी आपको मैं पंडाल दिखाने वाला हूँ। तो ये आपका भारत माता का पंडाल है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं दुर्गा स्थान, चंडी का दुर्गा स्थान, और फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अंदर के साइड पंडाल का बिल्कुल अच्छा से काम चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, लाइक धीरे धीरे दो दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छा से, और फिर आपको डायरेक्ट पंडाल की तरफ लेके चलते हैं गाइस। लाइक इधर तो अभी कवर नहीं हुआ अच्छा से, कपड़ा नहीं लगा, बट इधर के साइड देखो ना तो अच्छा खासा काम हो चुका है, जो कि दो दिन में ना और भी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी भाई। यहाँ तो और भी कुछ अलग ही लेवल का बना है भाई, देख रहे हो दुर्गा माता का पंडाल बहुत ही अच्छा यहाँ पे बना है दुर्गा स्थान में, चंडी का दुर्गा स्थान में। भाई कोई लोग नहीं जानते होंगे ना, तो यहाँ पे आके एक बार देख लेना कैसा यहाँ का पंडाल है भाई, बहुत ही अच्छा पंडाल है। और ये देख लो कुछ ऐसा यहाँ का सीन है, सारे बच्चे सब खेल रहे हैं, और फिर यहाँ का पंडाल काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी बड़ा वाला भी पंडाल है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पंडाल बन रहा है दुर्गा स्थान का, और यहाँ पे सारे बच्चे सब खेलते हैं, और यहाँ पे देखो ना तो सारे भजन ये सब गाते हैं, और सामने के साइड दुर्गा माता का मंदिर है, जो कि वहीं पर दुर्गा माता विराजमान होंगे, और फिर ये सब सारा ओपन जगह पे एकदम, और फिर यहाँ पे ऊपर सारा डेकोरेशन अच्छा से हो रखा है, पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है, बस बाहर में थोड़ा सा पर्दा ये सब बच रहा है, प्लस यहाँ पे संगीत ये सब चल रही है, जो कि शाम के टाइम में भजन ये सब चलेगा, और सारे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं भाई, देख रहा ये देखो खेल रहे हैं सारे लोग कैसे। तो अभी हमें चंडी का दुर्गा स्थान में है, और अभी यहाँ से अपन लोग निकलते हैं, और फिर कोई और देखते हैं, अगर यहाँ पे होंगे तो और भी आपको दिखाते हैं गाइस पंडाल। सो फाइनली गाइस आप लोगों को चंडी और नूरसराय का आपको दिखा दिए पंडाल, कैसा पंडाल है दुर्गा माता का, कैसी पंडाल लगी प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कहाँ का पंडाल आपको बेस्ट लगा वो भी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सोच रहे हैं आप वीडियो को एंड करने के लिए गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाड़ी व्हीकल चल रही है, हैवी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय।